मनीषा, मनीषा, क्या हुआ? इधर आओ। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या है सब? क्या है मनीषा, तू अपने खड़ूस पति को छोड़ क्यों नहीं देती? किसके साथ भागने का प्लान कर रही हो तुम? क्या बकवास है ये? कुछ झूठे लेटर रखकर मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं? बनो मत, दूध की धुली हुई तो तुम हो नहीं। लेटर आप लिख रहे हैं, मुझ पे दोष दे रहे हैं, क्या है ये सब? सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। क्या जानते हैं आप? ये सब लेटर वेटर क्या है ये? तो ये सब क्या है? मैं पूछ रहा हूँ क्या है? तो दोस्तों, क्या आपने मेरी मम्मी पापा की किट किट देखी है? मेरे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो। क्या आपने भी अपने मम्मी पापा का झगड़ा करवाया है? अच्छा, तो ये सब तेरी शरारत है? तेरी शरारत है क्योंकि ये सब पापा सोशल मीडिया पे छाने के लिए सब करना पड़ता है। नताशा दीदी भी मुंबई में एक से एक वीडियो डालती है, मुझे उनसे भी ज्यादा फॉलोअर चाहिए। तो सोशल मीडिया पे छाने के लिए तू अपने माँ बाप की थूथू करवाएगा? चल डिलीट कर। डिलीट नहीं, अपलोड करूंगा। अरे रुक रुक, मैं कहता हूँ रुक। क्या जरूरत थी इसको स्मार्टफोन दिलवाने की? बेटी को तो बिगाड़ ही दिया और अब बेटे को भी। तो क्या सारा दोष मेरा ही है? अपने आप को देखा है कभी? ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? जाकर देखो उसे क्या कर रहा है वो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनिए ना गौतम, जो सुबह घर से निकला था अभी तक वापस नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है, कब से ट्राई कर रही हूँ। ये बात आप बता रही हो तुम मुझे? गौतम की कोई फिक्र है या नहीं तुम्हें? फिक्र क्यों नहीं होगी, लेकिन आप तो जानते हैं वो घर में टिकता है क्या? कि तुम्हें तुम्हारी किटी पार्टी से फुर्सत मिले तब ना। गौतम का ही फोन है। हेलो गौतम, कहाँ है तू? मेरे साथ। वैसे तेरे बेटे की शक्ल बिल्कुल भी नहीं मिलती है तुझसे। क्या बकवास कर रहा है तू? गौतम को फोन दे, प्रैंक करना बंद कर। यहीं से छुपके कर रहा है ना तू प्रैंक? अरे ओ, ये कोई प्रैंक प्रैंक नहीं है, तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, उसकी आवाज सुनाता हूं मैं तुझे। बोल। पापा, मम्मी। सुना, अब अपने बेटे की सलामती चाहता है ना तो 50 लाख रुपए तैयार रख। मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं तेरे बेटे का अंगूठा काट के तेरे घर पे भिजवाता हूँ, तू उसका बायोमेट्रिक करवाना और तुझे पता चल जाएगा तेरा बेटा किडनैप हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना मेरे बेटे के साथ, प्लीज। तो अब अपने बेटे की सलामती चाहता है तो पैसे तैयार रख और पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करना। आप लोगों ने एकदम सही किया जो किडनैपर्स की बात नहीं मानी और हमारे पास आ गए। अब अगर वो लोग आपको दोबारा कॉल करेंगे तो हम उनके कॉल को ट्रेस कर लेंगे। डोंट वरी, आप हमारे गौतम को बचा तो लेंगे ना? हाँ सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें ये बताइए, आपको किसी पे कोई शक है? आपके बच्चे को कौन अगवा कर सकता है? सर, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। सर, जब इन्हें फिरौती का कॉल आया था उस वक्त गौतम का फोन कमला नगर में एक्टिव था। कमला नगर तो आपके घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है ना? जी। तो क्या कमला नगर में कोई ऐसा है जिसके पास गौतम जा सकता है? सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता सर। सर प्लीज, हमारे गौतम को बचा लीजिए सर। हेलो, पुलिस कॉन्फर्म किया ना तूने? अब तेरा बेटा नहीं बचेगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। 50 नहीं 60, अब 60 लाख रुपए लगेंगे और अगली बार तेरे बेटे का अंगूठा नहीं मिलेगा तेरे घर के सामने, उसकी आंख मिलेगी। हेलो हेलो, you
ये ड्रोन यहाँ पे कैसे? लगता है कोई ड्रोन से हम पे नजर रख रहा है। बैग, बैग कहाँ गया? विकास बैग को ढूंढो, मैं ड्रोन के पीछे भागता हूँ। सर वो झाड़ियों में क्या होगा, ढूंढो भागो। पुलिस, आपने फिर पुलिस को बुला लिया? मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये खुद ही हमें फॉलो करके आ गए। ड्रोन यहाँ पे आया, इसका मतलब वो लोग आसपास हो सकते हैं। पूरा एरिया सर्च करो, मूव फास्ट। सर 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 रहिए। गौतम 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 सर, आसपास अच्छी तरीके से सर्च कर लिया, समझ नहीं आ रहा बैग कौन ले गया। आप लोगों की वजह से मेरा पैसा भी गया और मेरा बच्चा भी। क्यों आए तुम यहाँ? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, उन्होंने इसके आंखें मेरी। छोड़ोगे नहीं तुमको, छोड़ोगे नहीं। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जब कोई उम्मीद मरती है, इंतजार अंधकार में बदल जाता है, तो जिंदगी चलती तो है लेकिन इंसान रुक जाता है। अपने बच्चे में अपना संसार देखने वाली अब इसी मझधार में नजर आ रही थी, लेकिन अभी इंसाफ होना बाकी था। लेकिन इंसाफ का ये सफर हिला के रख देने वाला था, और इसके साथ चलने वाला एक सफर गुनाह का भी था, जो एक बहुत लंबा और डरावना सफर था, जो साल दर साल कानून को चकमा देता रहा। ना गुनाह थमा, ना गुनहगार। लाइक करके कमेंट करो, क्या आपने भी अपनी मम्मी पापा का झगड़ा करवाया है? वीडियो में देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रैंक है, लेकिन इस वीडियो में आप दोनों का झगड़ा एकदम असली लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बकवास कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं आप? ये कि शायद गौतम के मर्डर की वजह इस घर से जुड़ी हो। गौतम की डेड बॉडी के पास जो ड्रोन मिला, वो ड्रोन भी तो आपका ही था ना? क्यों मनीषा जी, सही कहा ना मैंने? वो ड्रोन आपने खरीदा था, और जिस शॉप से खरीदा था उसका सीसीटीवी फुटेज मिला हमें, उसी में देखा हमने। उस दिन मैंने आपका गिरेबान पकड़ा तो आप बदला लेने के लिए कुछ भी बक रहे हैं। वो ड्रोन मैंने अपने बेटे को गिफ्ट किया था। तो जब उसका किडनैप हुआ, ड्रोन अपने साथ लेकर गया था वो? क्योंकि जहां उसकी डेड बॉडी मिली हुई है, ड्रोन हमें वहीं पे मिला। ड्रोन अपने आप कैसे पहुंच गया? ये पता करना आपका काम है, और आप हम पे शक कर रहे हैं? देखिए ऑफिसर, हमने अपना बच्चा खोया है और आप हम पे शक कर रहे हैं, ये रवैया ठीक नहीं है। मैं आपकी आपकी शिकायत करूंगा आपके ऑफिसर से। देखिए, हेलो सर, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन इस ठेले वाले का कहना है कि वैन सफेद रंग की थी और उसमें एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे, और इसे ऐसा लगा कि शायद गौतम उन लोगों को जानता था। अरे गट्टू, कैसे है तू? चल बैठ, मैं घर छोड़ देती हूँ। उस वैन का नंबर और उसका डायरेक्शन दोनों ट्रेस करने की कोशिश करो। हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि उस दिन वो वैन गौतम को लेकर कहां गई होगी। आप लोग अच्छी तरह से सोचकर बताइए, आपके किसी जान पहचान की औरत या आदमी के पास कोई व्हाइट कलर की वैन है क्या? नहीं। लगता है भूषण जी ने फिर से गर्लफ्रेंड का सपना देख लिया। भूषण जी, आप भूल गए क्या?
आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हुए तो सालों गुजर गए। अरे लेकिन ये शक्ल तो ऐसी की ऐसी है ना, फिर नहीं है। इस शक्ल के साथ पैदा होने से अच्छा होता कि मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता। मैं जब भी ये आईना देखता हूँ ना तो मेरी शक्ल से नफरत होती है मुझे। तो देवर जी मत देखिए ना आईना, अब आप ही बताइए, आईना देखने से आपकी शक्ल थोड़ी ना बदल जाएगी, वो तो वही रहेगी। इसका दिमाग खराब हो गया है। हो जाने दीजिए ना दिमाग खराब, पागलखाने भेजने की वजह मिल जाएगी, फिर बेच दीजिएगा ये मकान, वरना ये तो बाप दादा की जमीन जायदाद का बट्टा लगा देगा, समझ रहे हो? इतना फ्रस्ट्रेट मत हो यार, एक गई तो दूसरी लड़की आएगी, और रही बात तेरे स्मार्क की, वो तो प्लास्टिक सर्जरी से सब निकल जाएगा। लेकिन सर्जरी के पैसे जुटा नहीं पाया मैं। तू तो बोल रहा था कि तुझे कहीं से लाखों मिलने वाले। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया यार, लेकिन मैं कुछ करता हूँ। सुन, तू बस सर्जरी करने वाले डॉक्टर से मुझे मिला दे। अरे वो तो मिलवा दूंगा, लेकिन कम से कम 1,00,000 रुपये तो एडवांस तैयार रख। ठीक है, मैं कॉल करूंगा तुझे। ठीक है, मैं निकलता हूँ, एक काम है मुझे जरूरी ना। सर बिल। ओके। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सॉरी। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? हाँ, मेरा 1.5 लाख का फोन तोड़ दिया। अभी रुको, तुम्हारे मैनेजर से कंप्लेंट करती हूँ, पता नहीं कैसे कैसे वेटर्स रखे हुए। क्या वेटर? मतलब सफिशिएंट ब्लैक पैंट मतलब वेटर? तू जानती नहीं है मुझे, समझी ना? शक्ल से तो तुम गुंडे लग रहे हो। शक्ल पे मत जाना, समझी ना? शक्ल पे नहीं। अच्छा सुनो, वो आई एम सो सॉरी, वो क्या है ना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ये फोन मुझे मेरे फियांसे ने गिफ्ट किया था, इसलिए मैं इस फोन को लेकर पजेसिव हूँ। आई एम रियली सॉरी यार। जब से पता चला है मेरे बेटे की किडनैपिंग में एक औरत का हाथ है, तब से मुझे उस औरत की याद आ रही है जो न्यू ईयर पार्टी में मिली थी। अरे वही जो मेरे बिजनेस का टर्नओवर जानने में इंटरेस्ट ले रही थी। हाँ वही वही, तेरे पास नंबर मिलेगा उसका? सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। तो आपकी अय्याशी गौतम को खा गई। मैंने कोई अय्याशी नहीं की। तो फिर किस औरत का नंबर मांग रहे थे? कौन है ये? क्या रे, मुंह छुपाने की क्या एक्टिंग कर रहा है? सारे मजे तो ले लिए तूने, मेरी खूबसूरती में इतना डूब गया कि तूने देखा तक नहीं कि दरवाजा खुला है। भाग सकता था। जा कहाँ रहा है? अफीम हूं मैं। सारे मेरी आइटम पर नजर मार रहा है, आंखें निकालूंगा तेरी। नहीं मैंने गौतम के CDR में एक फेक आईडी का नंबर मिला। मिस्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा किसी गलत इंसान के टच में आके उसके झांसे में आ गया? एक काम करो, गौतम की मर्डर से पहले उसकी एक्टिविटीज क्या थी इसका पता करो। ओके सर। अबे ये स्किन सर्जन का बोल के कहाँ ले आया तुम मेरे को? अरे उस सर्जन ने 2 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट दी है। पता क्या मजे कर, एक फैशन मैगजीन का फोटो शूट चल रहा है। ओके साइकिल है? मैं दुनिया का सी काटता हूँ, तू मेरा ही सी काट रहा है। खाली समझाएगा। ये और मॉडल, तू जानता है इसको? इसको कैसे भूल सकता हूँ, अभी तो हिसाब चुकता करना है इसका मुझे। अच्छी तरह से चेक करो, पूरा कोना छान मारो। क्या कर रहे हैं आप? अब क्या चाहिए आपको? अच्छी तरह से चेक करो। आप बताते क्यों नहीं, क्या ढूंढ रहे हैं आप? गौतम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके ब्लड में ड्रग के ट्रेसेस मिले। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद किडनैपर्स ने उसे बेहोश करने के लिए ड्रग्स दिए होंगे, लेकिन बाद में हमने उसके कॉल डिटेल्स चेक किए, उसके कॉल डिटेल्स में एक फेक आईडी का नंबर मिला है। हाँ तो फेक आईडी का नंबर मिला है तो इससे कहां साबित होता है कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता था? तो उसके कॉल डिटेल्स में ये फेक आईडी का नंबर किसका है? ये वाला नंबर। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी शक्ल तो पसंद नहीं, लेकिन मैं भी किसी का कर्ज नहीं रखता।
तुम्हारे फोन जितना महंगा तो नहीं है लेकिन देखो अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने तुम्हें उस दिन सॉरी बोल तो दिया था। तो फोन लेकर थैंक यू। खोलो 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 जल्दी। सर ये जगह कमलानगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास के लोगों का कहना है कि ये जगह वैसे तो बंद ही रहा करती थी लेकिन कुछ टाइम पहले कोई आदमी यहाँ पर रहने के लिए आया था और तभी यहाँ पर वैसी सफ़ेद वैन देखी गई थी जिसका इस्तेमाल गौतम की किडनैपिंग में हुआ था। ताला तोड़वा। उठ, ओए, उठ। उठ, मैंने तेरी इंसल्ट की, उसका बदला तू ऐसे ले रहा है ना मुझसे, मुझे किडनैप करके। मैं क्यों किडनैप करूंगा, मैं खुद बंधा हुआ हूँ। कौन हो तुम लोग? दो हंसों का जोड़ा, मेरे आदमियों ने तुझको तोड़ा। कौन हो तुम? मूलचंद, तेरी गर्लफ्रेंड का लेनदार। 30 लाख रुपए उधार लिए हैं उसने मुझसे। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और अगर इसने उधार लिए तो मुझे क्यों उठाया? तेरी मॉडल पैसे नहीं देगी तो तू देगा 30 लाख रुपए। देखिए मूलचंद जी, मूलचंद जी, मूलचंद जी, ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, और आपके पैसे मैं चुका दूंगी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और अगर नहीं लौटा है तो तेरी पॉर्न फिल्म बनवाकर वायरल करवा दूंगा, और जब तक तू पैसे नहीं देती तेरी कार मेरे पास रहेगी, और एक बात, भागने की सोचना भी मत। जी ये देखिए, भूख लगी है? मुझे घर जाना। वाह, कभी इसे अफीम चखाती है, कभी पिज्जा खिलाती है, बहुत मजे दे रही है ना तू इसको आजकल। हाँ मजाक बन गया, उसके माँ बाप पुलिस के पास पहुंच गए, हमारे जो लोग उन पर नजर रखे थे ये वीडियो भेजे। पकड़ इसको साले। अरे क्या कर रहा है, उसने इसे नुकसान पहुंचने से मना किया था। अरे हट चल साइड में साले। अरे, 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 इस बात के पूरे चांसेस हैं कि गौतम को अगवा करके यहीं रखा गया है। पता नहीं ये सब किसने किया। विषय काम करो, ये घर किसका नंबर है पता करो। सर। और तुम लोग भी इस कमरे का एक एक कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सुनो दवा ले लो और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मेरे घर नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती, घर में घर गई तो वो मूलचंद नहीं, अपने घर नहीं जा सकती। मैंने उसे एक हफ्ते का टाइम तो ले लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसके पैसे चुकाऊंगी। तो फिर वो 1.5 लाख का फोन, इतनी महंगी गाड़ी, ये सब उधार के लेके घूमती हो? नहीं, मुझे मेरे फियांसे ने धोखा दिया, उसने मुझसे कहा कि उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज है और उसको 30 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने मूलचंद से उसको पैसे उधार दिलवा दिए और वो पैसे लेके भाग गया, और ये मूलचंद मेरे पीछे पड़ा है उसके पैसों के। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके पैसे कैसे चुकाऊं। नहीं देखो, तुम्हें अभी आराम करने की सख्त जरूरत है, तुम दवा लो और सो जाओ। हाँ? देवर जी क्या बात है, एक हो गई
तो दूसरी परी पटा लाए। मजाक बंद करो भाभी। मजाक? तो फिर ये कौन है? ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की रेप्लिका है। ये रेप्लिका? अरे डुप्लीकेट, मतलब कि पहले वाली एक्स गर्लफ्रेंड की कोई दोस्त वोस्त होगी तो दूसरी वाली में पहले वाली को ढूंढ रहा है। बस करो भैया, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इनको आराम करने की सख्त जरूरत है। प्लीज आप लोग जाइए। चलिए। सुनो, तुम दवा लेके आराम करो। क्या करें, हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें फिर से यहाँ लेकर आ गए। वो घर जिसमें गौतम को अगवा करके रखा गया था वो भी आपके नाम पर ही निकला। कौन सा घर? कौन सा घर? ये वाला घर। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि ये घर मेरे नाम है, पर मैं तो इसे बेचने वाला था। कुछ सालों पहले तक मेरा भाई विवेक इसमें रहता था, बाद में मेरा उससे बंटवारा हो गया। रैंसम कॉल भी उसी एरिया से आया था। और अपने भाई के बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा भाई विवेक काफी समय से यहाँ नहीं रहता, नेपाल में रहता है। नेपाल में कहाँ? पता नहीं सर, मेरी उससे बनती नहीं है, एक नंबर का आवारा था। ये क्वीन मेरी। अरे तेरी, तू बड़ा होशियार निकाल के। मैंने तुझे 7 लाख रुपए दिए थे पार्टी को पेमेंट करने के लिए, तूने पैसे नहीं दिए उनको? हाँ नहीं दिए, मुझे जरूरत थी तो मैंने रख ली। पर भाई साहब, वैसे भी मैं मांगता तो आप कौन सा सीधा सीधा दे देते? तो मतलब अपने भाई को ही चूना लगाएगा? भाई साहब, इसमें चूना लगाने वाली कौन सी बात है? वैसे भी बिजनेस पापा का है, आप संभालते हो, और भूलिए मत उसमें मेरा भी बराबर का हाथ बनता है। पता नहीं किन लड़कों के चक्कर में पड़कर मेरा भाई विवेक बिगड़ गया था, लेकिन सर विवेक गौतम को बहुत प्यार करता था, इसीलिए मेरा उस पर शक नहीं गया। तो आपका भाई जिन लोगों के चक्कर में पड़ के बिगड़ गया था उनका तो पता होगा? नहीं पता सर, इस बारे में सच में मुझे कुछ नहीं पता। अरे कैसे पता नहीं? अरे सब पता है हमको भाई, नेतागिरी में आए हैं तो सब पता रखना पड़ता है ना। अरे देखिए, आप हमारे चंदे का ध्यान रखिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ अरे हम सही कह रहे हैं भाई। ठीक है ठीक है, हम रखते हैं। हाँ बाद में बात करेंगे आपसे। अरे महाराज जी नमस्कार, आ गए आप। 10 लाख है, अंदर चल के गिन लीजिए। क्या महाराज जी, 10 लाख रुपए? अरे भाई आपका तो करोड़ों का टर्नओवर है, हैं? कम से कम 50 लाख का चंदा चाहिए आपसे हमें। वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है साले। अरे पहले की तेरे रुतबे में आके तेरे लड़के को उठा लेते तो 1 करोड़ भी देता ना। ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत आभार, आपने 10 लाख रुपए का चंदा दिया। आप आइए मेरे साथ। आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? आप भूल क्यों नहीं जाते ये माफिया उठा लेना, ये सब आपका पास था। अब आप नेताजी बनने वाले हैं तो नेताजी जैसे बिहेव करें ना। तुरंत मुझे ईमेल करो। ओके जैन सर। Yeah. सर लाश के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो पाए, गला स्लिट करके मारा गया है सर। इस बार आप अपने निजी स्वार्थ और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस कस्बे का नक्शा बना कर रख दूंगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा बोला आपने, क्या भाषण दिया है। भावे बेटा जी, इधर आओ। आप लोग जाके बाहर पोस्टर लगवाइए। वाह बेटा, एक क्रिमिनल को तुमने इतना बदल दिया कि वो समाज कल्याण की बातें करने लगा है। मैं तो कृपाल जी की बस राजनीतिक सलाहकार हूँ, और ये सब तो मेरा जॉब है। आंटी आंटी नहीं, माँ। हमारी कोई औलाद तो नहीं हुई, इसलिए अब से तुम ही हमारी बेटी जैसी। ये मेरा भाई खुश नहीं है सर। आपने 15 तारीख को राजीव नगर थाने में इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, और हमें इनकी बॉडी उसके 2 दिन बाद 17 तारीख को सुंदर नगर में मिली। जब हमें इनकी बॉडी मिली तो इनके राइट हैंड का जो अंगूठा है उस पर ये इंक लगी हुई थी, एज इफ इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगाया। तो जब ये घर से निकले थे किसी डील के लिए निकले थे? सर हमें कुछ नहीं पता है सर, मैं सच बोलता हूँ सर। सर ये सब ना उसकी दोस्त शिखा का किया धरा है, उस दिन वो उसी के साथ गया था। जब आपने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसने किसी शिखा का जिक्र नहीं किया, और ना ही ये बताया किसी शिखा के साथ गए थे। सर क्योंकि भूषण ने कुछ दिन पहले ही उस लड़की से हमें मिलाया था। सर वो लड़की हमें शुरू से ठीक नहीं लगी, लेकिन वो भूषण के साथ ऐसा कुछ कर बैठेगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे सर। उस लड़की के चक्कर में तो भूषण ने उस मूलचंद नाम के आदमी से झगड़ा तक कर लिया। देख मूलचंद,
बार बार फोन करके शिखा को परेशान करना बंद कर, वरना तू कितना भी बड़ा बाहुबली होगा मूलचंद, फार के रख दूंगा तुझे, समझा ना? है कौन ये मूलचंद? पता नहीं सर, हमने तो पहली बार नाम सुना था उस दिन। सर, ये विदिशा थाने से कांस्टेबल सुमित है, इन्होंने गौतम का फोटो देखकर हमसे कांटेक्ट किया था, जिस दौरान गौतम अगवा था, इन्होंने नाकाबंदी पर वैसे ही सफेद वैन स्पॉट की थी। सर, वो औरत बोली कि ये उसका बेटा है, उसे चोट लगी थी तो वो क्लिनिक ले जा रही थी, इसलिए मुझे उन पे शक नहीं हुआ। क्या उसका चेहरा तो याद होगा ना, स्केच बनवा सकते हो? यस सर। मिश्रा, अनिशा, मुझे भी गौतम के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपको सिर्फ उस औरत की जरूरत है, उस औरत को पाने के लिए आपने अपने भाई से बोल के मेरे बेटे को। बस मनीषा, शक मुझे भी था तुम्हारे पास्ट को लेकर, लेकिन अगर ये बातें बाहर आई ना तो अपने बेटे के साथ साथ हम अपनी इज्जत भी खो बैठेंगे। सर, भूषण के सीडीआर में ना शिखा का नंबर मिला ना मूलचंद का, ये दोनों भैया भाभी मिलकर कहीं में घुमा तो नहीं रहे? लेकिन सर, भूषण के मर्डर के ठीक पहले उसकी एक मिलिंद नाम के आदमी से आखिरी बार बात हुई, तब भूषण का फोन सुंदर विहार में एक्टिव था जहां हमें उसकी लाश मिली थी। सर, मैं किसी मूलचंद को नहीं जानता, लेकिन आशिखा को जानता हूँ, एक मॉडल है। मॉडल कहाँ रहती है? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो बूस्टर फैशन मैगजीन के लिए मॉडलिंग करती है। कुछ दिनों पहले उसका पिक्चर बॉक्स स्टूडियो में फोटोशूट भी हुआ था। 16 तारीख को कत्ल से पहले आखिरी बार भूषण की फोन पर बात तुमसे ही हुई थी, राइट? अरे अभी मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी यार, अभी बस मुझे 30 लाख रुपए इकट्ठे करने, कैसे भी करके हेल्प कर सकता है। सर, मैं खुद हैरान था कि उसे इतने पैसे क्यों चाहिए थे। तुम कह रहे हो कि भूषण प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाला था? हाँ सर, भूषण की पहली गर्लफ्रेंड ने उसकी इंसल्ट की थी, दरअसल भूषण के चेहरे पर ब्लैक मार्क था और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। भूषण के मन में हीन भावना, इसीलिए वो प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता था। कौन थी वो गर्लफ्रेंड, आजकल कहाँ है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने काफी टाइम पहले किसी और से शादी कर ली। सर, उस आदमी और औरत का स्केच है जिनके साथ सफेद वैन में गौतम को देखा गया था। इन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो तुरंत, और पता करो इन दोनों का गौतम के फादर या गौतम के चाचा बेबी के साथ कोई कनेक्शन है क्या। ओके सर। गौतम की किडनैपिंग और मर्डर का मकसद ऐसे रहस्य दबाए बैठा था जिसके अंदर से अपराधों का एक ऐसा ज्वालामुखी फूटा था जो हर दिशा में फैल के कई शहरों और कस्बों का माहौल गर्म करने वाला था। लेकिन एक बच्चे का अंगूठा काट के उसकी आंखें निकाल लेने वाला वहशी किस ठंडे बस्ते में छिपा था? उसकी दोस्त शिखा कहां गायब थी? ऐसा क्या हुआ था जो भूषण के अंगूठे पे स्याही के निशान मिले थे लेकिन उसके गुनहगार का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था? और इनके बीच पॉलिटिशियन कृपाल की क्या भूमिका थी? नेताजी, चीरहरण पक्का है तुम्हारा? कौन बोल रहा है तू? पुराना कांड हो तुम्हारा, और अगर आप अपनी छवि बचाना चाहते हो तो 3 करोड़ देने पड़ेंगे। सर, ये भूषण की पहली गर्लफ्रेंड का फोटो, ये अपने पति के साथ इंदौर में रहती थी लेकिन इन्होंने रिसेंटली शिफ्ट कर लिया। सर, शिफ्ट कहाँ किया, कुछ पता चला? नहीं सर। पता करो कहाँ शिफ्ट किया, और वो शिखा और मूलचंद उनके बारे में कुछ पता चला? सर, मूलचंद का कुछ नहीं पता चला, शिखा जिस फैशन मैगजीन के लिए मॉडलिंग करती थी उनका हेड ऑफिस दिल्ली में है सर। तुरंत दिल्ली के लिए निकलो। सर, सर कमिंग। सर, मैंने भूषण की बैंक ट्रांजेक्शन चेक की, सिग्मा फाइनेंस कंपनी से उसको 25 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन मिला था। सिग्मा फाइनेंस कंपनी के पास भूषण और कौशल के घर के कागज भी मिले थे सर, और उन्होंने भूषण का थंब इंप्रेशन भी लिया था। भूषण के अकाउंट में अभी पैसे हैं? जी नहीं सर, पैसा अकाउंट में आते ही निकाल लिया गया। लेकिन सर एक और बात है, जिस दौरान भूषण का कत्ल हुआ था उसके पड़ोसियों का कहना है कि उस समय उसके घर से कुछ लड़ने झगड़ने की और मारपीट की आवाजें आ रही थी। सर, मुझे तो खुद आज मालूम चला कि घर से प्रॉपर्टी के पेपर गायब है। सर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई भूषण मेरे साथ ऐसा करेगा, प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रख देगा। सर,
इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। आपके भाई ने जो फाइनेंस कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसमें ये NOC और NOC पे तुम्हारे साइन है। सर ये साइन मेरे साइन से मिलते जरूर हैं, लेकिन मैंने नहीं किया सर। ये तुमने नहीं किया तो किसने किया? तुम्हारे साइन। लड़की के साथ मिलकर उसने मुझे चूना लगाया सर। आप एक मिनट सर, यहाँ पर खून के धब्बे हैं जिन्हें मिटाया गया है। किसका खून है? किसका खून है ये? सर उस दिन मेरे और मेरे भाई भूषण के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई और गर्मा गर्मी में सर मैंने गलती से उसे धक्का दे दिया। ये कहीं नहीं जाएगी और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। तू यही चाहती थी ना कमीनी? भाभी सर उसका सर यहाँ पर आकर लगा और थोड़ा सा खून बह गया सर। हाँ सर, लेकिन हमने उसको पट्टी कर दी थी सर, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। हाँ सर, सर उसके दूसरे दिन तक वो यहीं पे था और उसके बाद फिर शिखा के साथ चला गया सर। हमने कुछ नहीं किया सर, यकीन कीजिए सर। यकीन कीजिए सर। चाय लेकर आई हूँ, जल्दी आइए वरना ठंडी हो जाएगी। चौबीस घंटे हैं तेरे पास, वरना वीडियो वायरल हो जाएगा। मैंने तुझे बेटी माना और तूने मेरा पति ही छीन लिया। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो तुझे। खबरदार जिसे हाथ लगाया तो छोड़ी, मेरा सिर्फ मेरे पैर की जूती है। चल छोड़ी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरा घर पर बात कर दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं। सर भूषण के भैया भाभी अभी भी वहीं के वहीं, उनका कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सर जब भूषण की लाश हमें मिली थी तो हो सर आवर्मा बूस्टर फैशन मैगजीन वालों का तो कहना है कि उनके वहाँ पर कोई भी शिखा नाम की मॉडल काम नहीं करती थी। और सर जिस पिक्चर बॉक्स स्टूडियो के बारे में मिलिंद ने बताया वो मैगजीन वाले भी वहाँ पर कोई फोटो शूट नहीं करते, उनके अपने स्टूडियोज है सर। सर पता नहीं ये फैशन मैगजीन वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं सर, जबकि उन्होंने इस स्टूडियो की बुकिंग करवाई थी। ये देखिए सर। तो कंपनी के बिहार पर बुकिंग किसने की थी? बुकिंग के लिए आया कौन था? सर एक लड़की आई थी, वो खुद को उस फैशन मैगजीन की प्रोडक्शन मैनेजर बता रही थी सर। और हाँ सर, उसने अपना नाम वंदना बताया था सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि फैशन मैगजीन वालों ने शिखा को झांसा दिया हो और अब उससे पल्ला झाड़ रहे हैं? लेकिन बुकिंग कैश में हुई तो साबित कर पाना मुश्किल है कि बुकिंग उसी कंपनी ने की थी। हमारे पास शिखा और मूलचंद किसी की तस्वीर नहीं, हमें सिर्फ दोनों के नाम पता है। एक काम करो, जो लड़की बुकिंग के लिए आई थी इनसे उसका स्केच बनवाओ, कम से कम पता तो चले ये वंदना है कौन। ओके सर। और सर भूषण की पहली गर्लफ्रेंड वो इंदौर से कहाँ शिफ्ट हुई है ये अभी तक मालूम नहीं चल रहा। भूषण का वो फ्रेंड क्या नाम है उसका? मिलन, उसे थाने बुलाओ। सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भूषण की पहली गर्लफ्रेंड अपने पति के साथ कहाँ होगी। अच्छा तो भूषण की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के जुगाड़ में लगा हुआ था। करता क्या तू? भूषण को स्टूडियो में लेकर गया, कहीं तू ही भूषण को भी झांसा तो नहीं दे रहा? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं एक फ्रीलांस रिपोर्टर था, मेरे हर जगह सोर्सेज है। मुझे सोशल मीडिया पे आया था इनविटेशन फोटोशूट का, मुझे लगा कि मेरे किसी पुराने सोर्स से आया होगा। तो इनविटेशन तो होगा तेरे पास अभी तक? हाँ सर है इनविटेशन तो। देखा। और सर मैं भूषण को लेके जरूर गया था स्टूडियो में, लेकिन वो शिखा को पहले से जानता था, उसने कहा कि वो पहले कभी रेस्टोरेंट में मिले थे। सर उस लड़की का स्केच बन चुका है जिसने स्टूडियो की बुकिंग की थी, ये रहा उसका स्केच। वंदना, कहीं इस लड़की वंदना और ये शिखा इन दोनों को गेम तो नहीं है? पता करो क्या इन दोनों को कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? सर हाँ पापा, वो एक डील थी इसलिए इंदौर आई हुई थी। काम खत्म होते ही मिलती हो ना? कृपाल का चंदा। सर इन दोनों में से हमें इस लड़की का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है, इसका नाम वंदना नहीं बल्कि भव्या है। इस पे और इसके गिरोह पे हनी ट्रैपिंग के कई सारे मामले दर्ज हैं, और सतना के पॉलिटिशियन कृपाल को भी इसने अपने झांसे में फंसाया था। एक चुनाव प्रचार के दौरान अचानक से कृपाल कहीं गायब हो गया था, फिर लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला कि कृपाल आखिरी बार इसी लड़की भव्या के साथ देखा गया था, और सर पार्टी के चंदे का पैसा भी गायब था।
क्या नेताजी, इज्जत बचा ली, जिंदगी कैसे बचाओगे? सर कुछ समय बाद में कृपाल की लाश भी मिली थी। भूषण ने मॉर्टगेज लोन लिया था और उसके अकाउंट से पूरा पैसा साफ हो गया था, तो क्या भूषण को भी इसी गिरोह ने? सर इसी गिरोह ने पिछले 7 सालों में 10 से ज्यादा लोगों को झांसा दिया था। तो इस गिरोह के बाकी लोगों की तस्वीरें? सर इस गिरोह ने 2 साल पहले ग्वालियर के बिजनेस में नवीन जिंदल को अपना शिकार बनाया था। नवीन की लाश के पास में एक और लड़की की लाश मिली थी, उस लड़की की तब पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन ग्वालियर पुलिस की थ्योरी है कि वो लड़की इसी गिरोह की है, क्योंकि सर 7 साल पहले से इंदौर पुलिस इस औरत को एक बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर के सिलसिले में ढूंढ रही थी, लेकिन ये केस बैकलॉग में चला गया था। 7 साल पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही मेरा ट्रांसफर हो गया था। आई थिंक उसके बाद से इस केस के ऊपर काम ही नहीं हुआ। उस दौरान इस फीमेल के अलावा एक मेल का स्केच भी सामने आया था, इसके बारे में कुछ पता चला था? हमें ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का कनेक्शन गौतम के चाचा विवेक से होगा। हमने विवेक को अरेस्ट भी किया था, लेकिन विवेक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और गौतम के फादर समर्थ ने विवेक की जमानत भी करवा ली थी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि विवेक ही इस केस का राजदार था। सर क्या आप फिर से वही 7 साल पुराने केस की बात लेके बैठ गए? मैं क्यों अपने भतीजे को मरवाऊंगा सर? तुमने अपने भतीजे को नहीं मरवाया तो किडनैपर्स तुम्हारे भतीजे को तुम्हारे घर पर क्यों लेकर गए? जाहिर सी बात है, तो किडनैपर्स के साथ मिला हुआ था और किडनैपर्स को जानता है। नहीं सर, मैं उन किडनैपर्स को नहीं जानता। हो सकता तुम उन दोनों को ना जानते हो, लेकिन क्या इन दोनों में से किसी को जानते हो? नताशा? पापा? पापा क्या हुआ पापा? अपने भाई को मारकर 7 साल से बेवकूफ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे। समझ जी, छोड़ दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर आदिल, ये अत्यारी ने अपने भाई को खा गई। छोड़ दीजिए। सात साल पहले तुम महज 19 साल की थी और तब तुमने अपने भाई को क्यों? मुझे बचपन से ही पैसों की लत थी, पर पापा पैसे देते ही नहीं थे। जब मैं मुंबई पढ़ाई करने गई तो वहां मैं भव्या से मिली। इसने मुझे आइडिया दिया कि पापा से पैसे कैसे निकलवाने। ये तो क्या बोल रही है भव्या, मैं और अपने भाई का किडनैप? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये काम बड़े आसानी से कर जाते हैं, और तुम्हारे भाई को भी कुछ नहीं होगा। भव्या ने जग्गी और कामिनी के साथ मिलकर एक घर में चोरी की थी। भव्या ने मुझे जग्गी और कामिनी से मिलवाया। गौतम के फोन में हमें एक फेक आईडी का नंबर मिला था, वो नंबर किसका था? जग्गी ने मुझे दिया था जब मैं गौतम के साथ मिलकर प्लान सेट कर रही थी। अगर मैं अपने नंबर से गौतम को बार बार कॉल करती तो पुलिस मुझसे पूछताछ करती। तो क्या गौतम भी तुम्हारे प्लान में शामिल था? हाँ, मैंने उसे टैब का लालच दिया और वो मान गया। हाँ टैब तो मुझे चाहिए, पर मिलेगा कैसे नताशा दीदी? अगर तू मेरी बात मानेगा ना तो तुझे टैब क्या 1,00,000 रुपए भी दूंगी, जिसे तू जो चाहे वो खरीद सकता है। कैसे नताशा दीदी? मैंने गौतम से कहा कि वाइट कलर की वैन में मेरे कुछ फ्रेंड्स उसको पिक करने आएंगे, लेकिन जग्गी और कामिनी गौतम को वैन में बहुत देर तक घुमाते रहे। गौतम को लगा था कि वो जैसे ही वैन में बैठेगा उसे उसका टैब मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये जग्गी और कामिनी गौतम को लेकर तुम्हारे चाचा के घर गए? हाँ, मेरे पास उस घर की चाबियाँ थी, लेकिन मैं गौतम को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। बट हमें आइडिया नहीं था कि पापा पुलिस को इन्वॉल्व कर लेंगे। इसी गुस्से में जग्गी ने गौतम का अंगूठा काट दिया। कामिनी तुमने गौतम के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तुम लोग ऐसे कैसे मेरे भाई के साथ? अगर ये बचाना तो तू फंसेगी, अगर तुझे बचना है तो इसे मारना पड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी, पर जब पापा ने जग्गी को पैसे दिए तो जग्गी ने गौतम को गौतम की आंखें क्यों निकाली थी? ताकि लगे कि ये किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है। पैसा मिला तो हमें लालच आ गया और हमने अपनी एक गैंग बना ली और हनी ट्रैपिंग में घुस गए। हम सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट से रिकी करके टारगेट ढूंढते थे, और हम ऐसे आदमी की तलाश करते थे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। कृपाल के अलावा और बहुत सारे लोगों को फंसाया था हमने। कृपाल गुंडागिरी से नेतागिरी में उतरना चाहता था और उसके लिए उसको एक राजनीतिक सलाहकार की ज़रूरत थी। फिर मैंने एक फेक रिज्यूम बनाया, उन्हें दिखाया और बोला कि
मैं साउथ इंडियन लीडर के साथ भी काम कर चुकी हूँ। फिर मैंने उसे सड्यूस किया और एक दिन मौका देख के उसका वीडियो बनवा लिया। हम एक सर्जन की रेकी कर रहे थे, तभी वहाँ भूषण अपने एक दोस्त के साथ प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करने के लिए आया हुआ था। हमें लगा कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले के पास तो बहुत पैसा होगा। हमने मालूम किया तो उसे पहले एक लड़की छोड़कर जा चुकी थी। उसी का फ़ायदा उठाकर मैंने उसे अपने जाल में फंसाने की सोची और मिलिंद को फेक फ़ोटोशूट का इन्विटेशन भेजा। वो भूषण तुम्हारे प्यार में इतना दीवाना था कि तुमसे शादी का सपना पूरा करने के लिए मूलचंद को 30 लाख देने को तैयार हो गया। यहाँ तक कि उसने अपना घर गिरवी रख दिया और तुम्हें 30 लाख दी, और तुमने ना सिर्फ उसके प्यार को धोखा दिया बल्कि उसका कत्ल कर दिया। चलो शिखा, और जाके अपना पीछा छुड़ा लो उस मूलचंद से। तुम लोगों के गैंग में कामनी भी थी, उसका कत्ल कैसे हुआ? हमने ग्वालियर के एक बिजनेसमैन को ट्रैप किया था। जब उसका मर्डर करने जा रहे थे तो अपने बचाव में कामिनी का मर्डर हो गया था उससे, और फिर हमने उसे मारा और उसके पैसे लेकर भाग गए। महज पैसों के लिए तुमने अपने सगे भाई का कत्ल कर, सिर्फ पैसों के लिए, और इतनी बड़ी मुजरिम बन गई। ताज्जुब होता है कि एक बहन अपने सगे भाई का कत्ल कैसे कर सकती, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तुमने भाई बहन के रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। बुरी संगत हमेशा बुरी रंगत ही देती है। किसी भी देश काल में जब एक बचपन गुमराह होता है तो आने वाली कई पीढ़ियां अपराध के साए में घिर जाती है। हम अक्सर सोचते हैं ये दौर ही ऐसा है जहां बुराई अपने वर्चस्व पे है, आज के हवा पानी ही भ्रष्ट है। लेकिन ये रोग कुदरत का नहीं, हमारे मन का है, हमारी सोच का है। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये सिद्धांत उसी किताब के हैं जो बचपन में हमने भी पढ़ी थी। इसलिए हमें तो आज अच्छाई की ओर एक कदम आगे होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा दिखाई देता है? शायद नहीं। इंसानियत का स्तर साल दर साल गिरता जा रहा है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारी मौजूदा पीढ़ी अगर सैद्धांतिक मूल्यों की रक्षा करेगी तो ही आने वाली पीढ़ी इसको एक कदम और आगे ले जा सकती है और हम एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। बच्चे का आई कार्ड उठाओ। सर जय सर, इंस्पेक्टर चौगुले। जय जय इंस्पेक्टर सुनील केलकर, क्राइम ब्रांच। यस सर। किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। चौगुले, इसमें हमारा एक कांस्टेबल एक्सपायर हुआ है। यस सर, कांस्टेबल तांबे, बहुत अच्छा आदमी था सर। कैसे हुआ सर? सर, एक लड़के के पास ब्लास्ट हुआ, फिर भागदौड़ मच गई, उसका फायदा उठा के दो आरोपी भाग गए सर। ब्लास्ट लड़के के पास हुआ है, नीचे हुआ? सर वो बताना मुश्किल है। शिरके, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, बॉम्ब स्क्वाड को बोलना रिपोर्ट जल्द से जल्द दे दे। यस सर। हमें एक रूम की जरूरत है, यहाँ से ऑपरेट करेंगे हम। यस सर, हो जाएगा। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ साल पहले अगर कोई बम ब्लास्ट होता था तो वो हर अखबार और हर न्यूज चैनल की सुर्खी बन जाता था, लेकिन आज के समय बम ब्लास्ट ऐसे आम बात हो गई है कि इस पर किसी का रिएक्शन तो छोड़िए, कोई सिंपथी या कोई नाराजगी भी सामने नहीं आती। खबरों की सुर्खियों में बस यही था कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर के पुलिस स्टेशन के बाहर हुए बम धमाके में एक लड़की
और एक पुलिस कांस्टेबल की जान गई, कई लोग जख्मी हुए और मौके का फायदा उठाकर दो गुनहगार फरार हुए। लेकिन क्या आंखों को जो दिख रहा था वही सच था? हमारी आज की कहानी बताती है कि किस तरह कभी कभी नाबालिग गुनहगार जुवेनाइल होम या बाल सुधार गृह में जाने के बाद सुधरने के बजाय अक्सर जुर्म की दुनिया में अपना कदम बढ़ा देते हैं। ये कहानी बताती है कि पितृसत्ता के चलते कैसे समाज में भेदभाव होता है और कैसे सोसाइटी का संतुलन खत्म होता है। लेकिन इस समय हमारे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स इस बात का पता लगाने में लगे थे कि क्या ये एक टेररिस्ट अटैक था, क्या वो लड़की एक टेररिस्ट थी या फिर वो एक आम नागरिक थी जो गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद थी। सर, बॉम्ब स्क्वाड की रिपोर्ट आ गई है। आईडी का इस्तेमाल किया गया था, क्रूड बम था सर, यानी कि कच्चा बम। ये टेररिस्ट अटैक नहीं है शिट, ये तो पूरा क्रूड बम का सामान है। सर, पुलिस स्टेशन के बाहर की सीसीटीवी फुटेज। ये लड़की ने मोबाइल से ट्रिगर लगाया, इसे कहा योगा योगे। इस लड़की के बॉडी पे तो बॉम्ब नहीं था सर, ये ब्लास्ट के पहले वाली फुटेज है। ये तो कन्फर्म है, ये स्नेहा पाठारी है। कौन है ये स्नेहा पाठारी? ये स्नेहा पाठारी सुसाइड बॉम्बर थी। हम लोग क्राइम ब्रांच से आए हैं, उमेश पाठारे से बात करनी है। कौन आ रहे? मैं स्नेहा का बाप हूं, क्यों बात क्या है? हाँ यही स्नेहा, और बात क्या है? कल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें स्नेहा की मौत हो गई। अब मैंने खबर तो सुनी थी पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो स्नेहा है। भगवान ने क्या किया, उसे मेरी बेटी छीन ली। जब कल रात स्नेहा घर नहीं आई तो आप लोग परेशान नहीं हुए? स्नेहा अक्सर अपने दोस्तों के घर पढ़ाई के लिए जाती है, मुझे लगा कल रात को भी वो वहीं कहीं रहेगी। हमें आपकी डीएनए टेस्ट करवानी होगी कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, स्नेहा की किसी के साथ दुश्मनी? सर 18 साल की थी मेरी स्नेहा, इस उम्र में उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? चुप कर, क्या बीच बीच में बोलती रहती है तू? चल अंदर जाके मादम मना। लगता तुम्हें तुम्हारे बेटी की मौत का दुख नहीं हुआ? अब क्या करूँ, दो लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। कौन? मेरा छोटा भाई सुधीर और मेरी छोटी बहन सुनीला का पति है मिलिंद देशपांडे। तुम दोनों ने ही मेरी बेटी को मारा है, कन्फर्म। वो क्यों मारेंगे? सर कुछ दिन पहले मैंने प्रॉपर्टी को लेके सुधीर से बात की थी तो उसने मुझे धमकी दी थी। अरे लेकिन तू मुझे प्रॉपर्टी बेचने क्यों नहीं दे रहा है यार? वो मेरा फैसला है भाऊ, और मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। देख देख देख, मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से सोच ले। देख तेरा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है, समझ गए आप? चलो निकलो अभी। ए तब इससे बात कर, तेरा बड़ा भाई हूं ना मैं जो बोल रहा हूँ वही करना पड़ेगा तेरे को। आपको कुछ और काम नहीं है क्या? बाबा ने जब वसीयत बनाई थी ना तो डिसीजन मेकर मुझे बनाया था, ये बात याद रखो और अभी निकल चलो यहां से। अरे चलो, तो क्या धक्का क्या दे रहा है मुझे? चलो भाऊ, ये थप्पड़ तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा, याद रखना ये बात। चलो चलो। अगर वो डिसीजन मेकर है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है जरूरत है। मेरी छोटी बहन सुनीला, उसको पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है अपने बिजनेस में लगाने के लिए। मेरी मेरी बाबा ने मुझे फंसा दिया है, वो प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहता है वो सुधीर। और मिलिंद साहब, ये मिलिंद जो है वो विद्रोहियों और सरकार के बीच में मांडवली करता है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी बातचीत को लेके कुछ गड़बड़ हो गई थी तो
पुलिस ने दो विद्रोहियों को पकड़ लिया था और उसी के चलते ये मिलिंद परेशानी में आ गया था, क्योंकि उन विद्रोहियों को लगता था वही जिम्मेदार है। और सर मैंने टीवी पे देखा, वो जो ब्लास्ट हुआ ना, दोनों विद्रोही भाग गए थे। तो क्या ये ब्लास्ट मिलिंद ने करवाए? हाँ सर, उसी ने करवाया सर, क्योंकि ऐसा करने से वो विद्रोहियों की नज़र में बेगुनाह साबित हो जाता ना। सर मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, उन दोनों में से ही किसी ने मेरी बेटी को मारा है। सर आपने नोटिस किया, अश्मिता इतने बड़े घर की मालकिन है, फिर उसकी हालत, रहन सहन, कपड़े देख के लगता नहीं है। सर माँ तो थोड़ी इमोशनल लग रही थी, लेकिन बाप, उसे देख के लगता है कि बेटी की मौत का कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। मैंने भी नोटिस किया ये सर। तिरके, ये पाठर और देशपांडे परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। तो तुम एक काम करो, सुनीला और मिलिंद इनसे बात करो, सुधीर को मिल दो। उमा, अनिला, जल्दी बाहर आओ। क्या ये सब, क्या है ये? पापा, मैं साफ करने वाली थी। जबान लड़ाएगी हाँ? और तू? बाबा ताई ने कहा था कि वो कर देंगी। तू भी सीख गई इसका, जबान लड़ाना। तुम क्या कर रहे हो? आजू बाजू वाले सब देख लेंगे। कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इनको समझाओ जरा। मुझे काम चाहिए, इनका जबान लड़ाना नहीं, वरना खाना पीना बंद कर दूंगा। ए, चलो काम करो, चलो फटाफट। दे दो इधर, दे दो। अरे वाह, अरे मेरा राजा बेटा वंश। आज पापा के साथ खेलेंगे ना? क्या है यहाँ, तुम दोनों से सही से काम नहीं हो सकता है क्या? अब फटाफट ये सफाई करो और निकलो यहाँ से, वरना आज ना तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी मैं, समझी? करे काय तुमसे गड़े, चलो अंदर चलो। काय ना साहब, मेरी दोनों बेटियों को अकल ही नहीं है, किसके सामने खड़ा रहना है, किसके सामने खड़ा नहीं रहना है, कुछ समझ भी नहीं आता। कल बॉम्ब ब्लास्ट में जिस लड़की की मौत हो गई, उसने आई थी। और उसके पिताजी उमेश जी का ऐसा कहना है, स्नेहा को तुमने मारा। कहा उसकी बातों में आते हो साहेब? अरे वो उमेश भाऊ है ना, हमारे खानदान के नाम पे धब्बा है शुरू से। उसने हमारे घर की नौकरानी अस्मिता के साथ अफेयर करके घर की नाक कटा दी। मतलब जो घर में उनकी वाइफ थी अस्मिता, उस घर की नौकरानी थी? हाँ, भाऊ ने तो उसे छोड़ दिया था, पर जब उसे पता चला कि वो पेट से है, तब वो हमारे बाबा के पास आई और उसकी शादी भाऊ के साथ कर दी। लेकिन बाबा की मौत के बाद भाऊ ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जैसे मुझे बाबा ने पावर ऑफ अटर्नी दी थी, वैसे ही उन्होंने स्नेहा को तीसरा हिस्सेदार बना लिया था। तब भाऊ को मजबूरी में उनको घर में वापस लेना पड़ा, और इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ा रहता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच दें। नहीं, लेकिन वो तो नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। बिजनेस? हाँ? उमेश भाऊ? हाँ? अरे कैसा है वो, तो लंगोट का ढीला है, वो तो मीना कांबळे के साथ उसका अफेयर है, वो दो नंबर के धंधे करती है, और हाल ही में उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है, और उसी को मदद करने के लिए भाऊ को पैसे चाहिए, और वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। चला चला। चुप। ये देखो। चुप। ये पीछे रह। बच्चा है वो, बाप बाप लग जाएगा उसको। तेरे को बहुत घमंड है ना? ये पूरे खानदान में सिर्फ तेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, तभी तो इसका नाम भी वंश रखा है तूने। अस्मिता को मैं छूता नहीं हूँ, सुनीला माँ नहीं बन सकती, तेरा ये जो घमंड है ना, अभी खत्म कर देता हूँ मैं। देख, जो भी बात हमारे बीच की है ना, बच्चों को बीच में मत कर। तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना फिर। हाँ, वो जमीन बेच दे बस। देख, पूरा हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए बस, उतना काम कर दे बस। हाँ बोल। हाँ हाँ, पकड़ इसे, जमीन बेचना है तेरे को, बस इतना याद रख। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, याद रखना। तो इसलिए तुमने बदला लेने के लिए स्नेहा को मार दिया? सर आप खुद सोचो, स्नेहा की जरूरत भाऊ को तब तक थी जब तक कि वो पावर ऑफ अटर्नी पे साइन ना करे, लेकिन भाऊ के लाख दबाव बनाने के बावजूद स्नेहा ने पावर ऑफ अटर्नी पे साइन नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी जैसे ही वो पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करेगी, भाऊ उन दोनों को घर से बाहर निकाल देगा। तो तुम्हारा कहना है कि उमेश ने उसको मार दिया? स्नेहा की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? उमेश। हाँ,
और तो और मीना कांबळे के बहुत गलत लोगों के साथ संबंध है, उसका तो विद्रोहियों के साथ उठना बैठना है, और बॉम्ब हासिल करना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। क्या स्नेहा को हमने मारा? भाऊ पहले से सनकी तो था ही, लगता है अभी दिमाग भी ज्यादा चलने लगा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी विद्रोहियों से बात कभी फेल नहीं हुई? हुई थी, और सरकार ने इसके लिए दो विद्रोहियों को गिरफ्तार भी किया था। पहले उनके लीडर्स को लगा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी, लेकिन बाद में मैंने उन्हें समझा दिया कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और उन्हें समझ में आ गया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तो आपने ब्लास्ट करवा के किसी विद्रोही को नहीं भगाया था? मैम मैं बातें सुलझाता हूँ, उन्हें और बढ़ावा नहीं देता, और इसीलिए इतनी खतरनाक नौकरी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की शांति के लिए कुछ तो योगदान करूं। अब आप ही सोचिए, क्या मेरा जैसा आदमी एक विद्रोही को बचाने के लिए बॉम्ब प्लांट करेगा, वो भी अपनी भतीजी पर? तो इसका मतलब है मिलिंद का कहना है उसने कुछ नहीं किया? यस सर। सर उमेश और मीना ये दोनों ज्यादातर मीना के घर पे ही वक्त गुजारते थे। ये मीना की हिम्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसके पहले भी इसके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन, अवैध शराब और इन सब चीजों के केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसे कभी अरेस्ट नहीं किया गया। सर अस्मिता और उमेश की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, सिर के देखो। सर रिपोर्ट के हिसाब से स्नेहा उन दोनों की बेटी थी। मुझे स्नेहा की कॉल डिटेल्स चाहिए। एक विद्रोही जो भागा वो तो अमर पाठक था, दूसरा कौन था, पहचान हुई? हाँ सर, चेतन शेखर और चिकना शेखर, पुराना स्ट्री शीटर है सर। मुझे उन दोनों की हिस्ट्री चाहिए, और पाठारे और देशपांडे परिवार की। वैसे सर वो सुधीर भी कुछ कम नहीं लग रहा था, जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, किसी दूसरे की बेटी को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उस दिन कैसा बिहेव कर रहा था, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। शेर की तृप्ति, सुधीर की दोनों बेटियों पर नजर रखो, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। सर करडे चाह सांगा। सर शर्म नहीं आई तुझे मुझ पे इल्जाम लगाते हुए? क्या बोल रहे तू? स्नेहा रत्नाकर, देखता हूं तेरे को बाद में। हमारे आई पापा हमसे बहुत नफरत करते, हमसे नौकरों जैसा काम करवाते, क्योंकि हम लड़कियां हैं ना, वो सिर्फ वंश को ही प्यार करते, और आज तो वो हमें स्नेहा ताई के घर भी नहीं लेके गए। बेटा तुम दोनों स्नेहा के करीब थे? हाँ। ताई तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अब हटो मेरी चांस। लग रही ना टाइम है, चलो एक सेल्फी लेते सब। पर ताई घर पे जाने से पहले ये सब हटाना पड़ेगा, नहीं तो बाबा मारते। क्या स्नेहा के आई बाबा उससे ऐसी नफरत करते थे जैसे तुम्हारे आई बाबा तुमसे करते हैं? ताई आपको याद है जब एक बार काका ने स्नेहा ताई को फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया था? हाँ। किस आवारा लड़के से बात कर रही है तू? नहीं बाबा, मैं अपनी दोस्त चंपा से बात कर रही थी। चंपा? हेलो हेलो
कहाँ चंपा लिखा है, ये तो सीएस लिखा है। बाबा सीएस मतलब चंपा शिंदे, मैं अपने सारे दोस्तों का नाम ऐसे ही सेव करती हूँ। मुझे कैसे पता ये सारे लड़के नहीं है। आज से तेरा फोन बंद। बेटा तुम लोग और क्या बता सकते हो अपनी स्नेहा ताई के बारे में? हाँ एक लड़का था प्रदीप इंगले, वो ताई को रोज मैसेज करता था, ताई हमेशा परेशान रहती थी। उमा उमा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुझे मैसेज भेज रहा है कि मुझे मार डालेगा। लेकिन क्यों ताई, ताई बताओ ना। स्नेहा इस प्रदीप इंगले को कैसे जानती थी? वो ताई के कॉलेज से ही था। अक्का मैं और प्रमिला भी चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? रत्ना का जरा इसको समझाओ, इसको अकल दो जरा, इसे बोलो कि जमीन बेच दे। लाज नहीं वाटे तुला, बेटी के चौथे पे भी वही बात। अक्का आप कुछ मत बोलना। ए तू कौन होता है अक्का को बोलने वाला? ये मत बोलो वो मत बोलो, कौन होता है तू? तू कौन है? तुम ही दोगे, शांत रहा बगू। अक्का क्यों बेचनी है जमीन? जमीन की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भगवान और जमीन नहीं बनाने वाला। मैं नहीं बेच रहा जमीन बस। मला कळतंय पण त्या दोघांना पैशाची जरूरत आहे, तू विक जमीन। एकदम सही कहा रत्ना, बिल्कुल सही कहा। अब तो मेरा भी हक है मांगने का, क्योंकि स्नेहा के जाने के बाद तो उसका हिस्सा मेरा ही हुआ है ना। देख कल भी अक्का ने बोल दिया बेच दे अभी जमीन। मैं जमीन नहीं बेच रहा हूं, तुझे जो करना है ना कर ले। सर मैंने सभी मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, किसी के फोन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, और सबकी फोन लोकेशन भी चेक की। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था इनमें से कोई भी उस लोकेशन पे नहीं था। सर स्नेहा को जो लड़का परेशान करता था प्रदीप इंगले, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया सर, से एक नंबर का टपोरी लड़का है, कॉलेज में उसके खिलाफ काफी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर हुई है, बस रस्टिकेट होने से बचा हुआ है। तो उसको उठा, बहुत अच्छा काम किया मैंने, पैसे मिल गए ना? पैसा तो मिल गया लेकिन एक बात बोलने का था। पुलिस मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोग क्यों मुझे फंसा रहे हैं? हमारे पास प्रूफ है, आई विटनेस भी है। तू स्नेहा को कॉलेज में बहुत तकलीफ देता था ना, उसको मैसेज करता था, धमकी देता था, अगर वो तेरी नहीं हुई तो उसको जान से मार देगा। तू मन्या नाम के एक हिस्ट्री शीटर के संपर्क में भी था। इतना ही नहीं, आज तूने 50,000 रुपये उसको ट्रांसफर भी किए है। और प्रूफ चाहिए तेरे को? साहब मैं स्नेहा के लिए दीवाना था, लेकिन वो थी कि मुझे लिफ्ट ही नहीं देती थी। पहले लाया हूँ। अरे स्नेहा सुन, ले ले यार, बड़े प्यार से लेके आया हूँ। अरे ले ले यार, क्या हो गया तुझे? रुक बैग में रख देता हूँ। अरे अरे लेती जा यार, परफ्यूम लाया और खुशबू आएगी तेरे में से। स्नेहा चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते। छोड़ो। अरे चल नहीं यार। छोड़ो। अरे बाबा को शिकायत कर। छोड़ो। अरे अरे तेरे लिए गाड़ी लेके आया यार मैं। उसने पब्लिक के सामने मेरी इंसल्ट की थी, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। इसलिए तूने मन्या को सुपारी दी और मन्या ने उसको बॉम्ब से उड़ा दिया। मैंने भी यही सोचा था कि मन्या ने उसे मारा, और इसीलिए मैंने सुपारी के पैसे भी उसे ट्रांसफर किए। लेकिन आज जब मेरी उससे बात हुई तो काश स्नेहा को अपन ने मारा होता, अपना भी फोटो वोटो छपता अखबार में, मजा आता, अपन भी फेमस होते हैं। मतलब तूने उसे नहीं मारा? नहीं ना साला, पहले किसी ने सीन शॉट कर दिया, ऊपर से वो साला चिकना वो भी साला भाग गया, उसको तो फांसी होना चाहिए था। खादी थी मैंने सुपारी, लेकिन मैंने उसे नहीं मरवाया, और अब वो कमीना मनिया मेरे पैसे भी वापस नहीं कर रहा। सर क्या आप मेरे पैसे निकलवाने में मदद कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। कितने पैसे दिए थे? सर 50,000। ये 25 ले, ये 25 ले। और बैग चाहिए दो? नहीं 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 सर, स्नेहा का मर्डर केस जब तक सॉल्व नहीं होता इसको अपने पास रखो। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मनिया चाहिए। कैसा हो प्रदीप को एड़ा बनाया रे, एक नंबर का एड़ा है। तो भाई लोग आज की पार्टी एड़े प्रदीप के नाम, क्या बोलते? चेस 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 भाई चेस। लगता है चाइनीज वाला आ गया भाई, चाइनीज ले गया जा। चाइनीज बहुत खा लिया तूने, अब इंडियन खाने का टाइम है। चल क्राइम ब्रांच पुलिस चल। हाँ चलिए ना साहब, आता हूँ ना। किधर जा रहा है? और चाहिए साहब? ये चिकने शेखर और मेरा पुराना लफड़ा साहब, पहले से मैं उसे बर्बाद करना चाहता था साहब, और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, बस
दो ही टारगेट था मेरा, इसलिए जब स्नेहा का सुपारी दिया ना प्रदीप ने मेरे को, मैं फट से मान गया साहब। बोला कि एक तीर से दो शिकार मिलेंगे साहब अपने। तो चिकना को कैसा बर्बाद करने वाला था? अरे साहब ये गर्लफ्रेंड है ना साहब स्नेहा चिकने की, मालूम नहीं आपको? सोचा था स्नेहा को उड़ा दिया ना तो चिकने का लव लाइफ खत्म, उसके बाद अंडरवर्ल्ड से तारीफ मिलेगी, लोग डरेंगे आपको इनसे। लेकिन उसके पहले इसको और गेम खेल गया ना साहब। सिरके इसको कस्टडी में रखो, और देखो ये जो कहानी सुना रहा है इसका राइटर ये खुद है या कोई और? सर स्नेहा की कॉल रिकॉर्ड। सर स्नेहा के कॉल रिकॉर्ड में जो चंपा शिंदे का नंबर है वो चंपा शिंदे का नंबर नहीं है सर, बल्कि वो चिकना शेखर का नंबर है, और स्नेहा ने ये नंबर CS के नाम से सेव कर रखा था। क्या चंपा लिखा है? ये तो CS लिखा है बाबा, CS मतलब चंपा शिंदे। और सर ये वही बंदा है जो बम ब्लास्ट के बाद वहां से भागा था। ये चिकना चाहिए, जो चिकना और उसके प्यार के बीच में आया था, जिसके बाद चिकना को जुवेनाइल होम भेज दिया गया था, जहां अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने के बजाय चिकना ने बगल वाली जेल के बड़े बड़े क्रिमिनल से दोस्ती कर ली थी। क्योंकि चेतन एक टीनेजर था और क्लीन शेव रहता था, इसलिए सबने उसका नाम प्यार से चिकना रख दिया, और वो हर बार बाहर निकलता, क्राइम करता और जुवेनाइल होम वापस आ जाता। धीरे धीरे उसने IED बम बनाना भी सीख लिया और लोगों की सुपारी लेने लगा। 18 साल की उम्र में उसका नाम कुख्यात क्रिमिनल्स के लिस्ट में शुमार हो गया था। जिस दिन ब्लास्ट हुआ चिकना उसे एक हफ्ते पहले ही गिरफ्तार हुआ था। तो क्या स्नेहा की मौत चिकना के भागने का प्लान थी? क्या वो बम जिससे स्नेहा की मौत हुई वो चिकना ने ही बनाया था? लेकिन उसने ये सब कैसे किया? क्योंकि अब तक पुलिस इस बात को लेकर श्योर थी कि स्नेहा के परिवार में से किसी ने भी बम का इंतजाम नहीं किया था, और बॉम्ब स्क्वाड की डिटेल रिपोर्ट ने पुलिस के शक को कंफर्म कर दिया। शिरके बॉम्ब स्क्वाड से तो ये कंफर्म हो गया कि स्नेहा के बॉडी पे बॉम्ब था, लेकिन सवाल ये है कि स्नेहा ने बॉम्ब क्यों पहना था? क्या स्नेहा को पता था ये बॉम्ब है? सारे सवालों के जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है, चिकना शेखर जो गायब है। सर एक मिनट। हेलो कहाँ पे? ठीक है सर, चिकना के बारे में टिप मिली है। चिकना सनी और सुलेमान का दोस्त है, उसे अभी लक्ष्मी नगर में देखा गया है सर, और उसका नंबर भी भेजा है, ये देखिए। 222 क्वालिटी लिस्ट निकालो। ये नंबर मैंने कहीं देखा है सर। सर 222 यस, इसका मतलब ये स्नेहा सनी के टच में थी। शिरके एक काम करो, लक्ष्मी नगर पे नजर रखो, ये सनी हमें चिकना शेखर तक पहुंचाएगा। ठीक है सर। सर बॉम्ब ब्लास्ट में मरने वाली स्नेहा पाटारे के चाचा सुधीर पाटारा के घर से फोन आया था, उनका बेटा वंश मिसिंग है। हम दोनों इन दोनों के साथ वंश को छोड़कर मंदिर गए थे, हमें जाना ही नहीं चाहिए था इनके भरोसे छोड़कर उसको। अंकल आईने हमें मार्केट से सब्जी लाने को कहा था, तब वंश हो गया था। जब हम दोनों आधे घंटे में वापस आए तो वंश गायब था। फिर हमने पापा को कॉल किया था। सर फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं है, लगता है जो भी घर में घुसा था उसके पास एक डुप्लीकेट चाबी थी। आपको किसी पे शक है? सुनीला और मिलिंद पर। क्यों? क्योंकि जब प्रमिला प्रेग्नेंट हुई थी ना तो हमारे खानदान में सबको यही लग रहा था कि ये और एक बेटी को जन्म देगी, क्योंकि हमारे खानदान में सभी को लड़कियां ही हुई है और सुनीला का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हमने उसको वचन दिया था कि हम अपनी तीसरी बेटी उसको दे देंगे। अच्छा तो आपको हुआ बेटा वंश, और आपने उसे देने से मना कर दिया। लड़का कैसे देते सर, वो तो वंश का नाम आगे बढ़ाता है, और हमने उसका नाम भी रखा था वंश, लेकिन ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं थे, अक्का को बीच में लेकर आ गए। तूने अपना बच्चा इनको देने का वचन दिया था ना, वो वचन पूरा करना ही पड़ेगा चाहे वो लड़का क्यों ना हो। अक्का आप बीच में मत बोलो, मैं अपना वंश इन्हें नहीं दूंगा, अब जिसको जो करना है ना वो कर ले। मंजे तो आता अक्का तो पढ़ना है एकड़ा। ए, तू गप, और क्या है आप समझती कौन हो अपने आपको? थोड़ा सा मान सम्मान क्या दिया आपने आपको, इस घर का मुखिया समझने लगी? मिलिंद नानी सुनीला ने तुला कमीशन दिला है? छोड़ आता तू बंद भी क्या करता
तेरा यह वंश है ना, ज्यादा समय तक तेरे पास नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि उन दोनों ने वंश को गायब किया? सर, या तो उन दोनों ने या फिर उमेश भाऊ ने। उमेश ने? तुम दोनों ने जो मुझे बताया था, बताओ सर को अभी। तुम दोनों जो मुझे बता रही थी, बताओ सर को अभी। एक दिन हमें उमेश काका और मीना ताई मिले थे। वेरी गुड। पता, तुम दोनों को देख के मुझे हमेशा बहुत खुशी होती। अच्छा, तुम्हारा भाई भी इतना ही क्यूट है क्या जितना तुम दोनों हो? हाँ, इनका भाई भी इनकी तरह बहुत क्यूट है। और इसमें क्या है, ये बच्चा खुद तुम्हें वन से मिलवाएगी। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि मैं इससे डबल चॉकलेट दूंगा तुम दोनों को। तो बोलो हाँ, मिलवाएगी ना? हाँ बोलो बच्चा, तुम भी हाँ बोलो। तो तुमने कॉल किया था उनको? नहीं, लेकिन वो हमसे हमेशा बात करते रहते, घर के नंबर पे कॉल करते थे, सिर्फ मुझसे बात करते थे और यही पूछते थे कि वो मीना आंटी वन से कब मिल सकते हैं। और मैं बहाना बना देती थी कि आई बाबा घर पे हैं। तुम एक काम करो, इनके घर के आसपास कोई डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला हो तो उसे पूछो, ऐसे में किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनाई है क्या सुधीर के घर की? सर, हेलो, ठीक है सर, लक्ष्मी नगर से सनी पकड़ा गया है। साहब, मैं कब से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम वो चिकना भागने के बाद किधर गायब हो गया। देख, तू स्नेहा के कांटेक्ट में था, तू स्नेहा से बार बार फोन पे बात करता था और इतना काफी तेरे को जेल में भेजने के लिए। सच बोल, ये तो पूरे स्टाफ को ना तेरे बालों को झूलने लगाऊंगा। वो चिकना ने मेरे को सिखाया था बॉम्ब कैसे बनाते, और वो स्नेहा के जैकेट पे भी बॉम्ब डालने को उसने बोला था मेरे को, और वो बॉम्ब उसके मोबाइल से कनेक्टेड था। ये बात स्नेहा को बता दी? नहीं, उसको नहीं मालूम था। उसको सिर्फ इतना मालूम था कि जैकेट में कोई कैमरा लगा हुआ है जो मोबाइल से चालू होगा। तो चिकना किधर है? सब पहले से बोल रहा, मेरे को नहीं मालूम चिकना किधर है। सर, सुरक्षा नगर के गटर में एक नवजात बच्चे की लाश मिली है, देखकर पता चल रहा है कि वो 4-5 महीने का होगा। ठीक है, वंश के पेरेंट्स को फोन करो। कहाँ है? कहाँ है? संभालिए उनको। ये काम जरूर सुनील और मिलिंद का है, उन्हीं कमीनों ने मेरे वंश की जान ली है। उन्होंने कहा था वंश शानदार नहीं रहेगा। शिरके, ये देशपांडे फैमिली से बात करनी होगी, और मीना और उमेश को बुला कर ले। सुरक्षा नगर मतलब सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करा। आम्ही ठरवलं होतं की बच्चा पैदा होने के बाद मैं मेरे नाम की जमीन सुधीर के नाम पे कर दूंगी। इसका लिखित अग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन बच्चा देने का कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था। हम बच्चा बाहर से गोद नहीं लेना चाहते थे, हम खुश थे कि बच्चा हमारे खानदान का है। इसलिए मैंने सुधीर पे भरोसा करके वंश के पैदा होने के पहले ही जमीन उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी थी सर, लेकिन सुधीर अपने वादे से मुक कर गया। ठीक है, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। आगड़े, वेरी गुड सर। सनी टूट गया है, उसने चिकने के दो ठिकाने बताए जहाँ पे वो हो सकता है, और सर वो उमेश और मीना दोनों पुलिस स्टेशन आ गए। मैं माँ बनना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मेरा भी बेटा हो, लेकिन उमेश ने नसबंदी का ऑपरेशन करा रखा है, इसलिए हमें बच्चा नहीं हो सकता। पर उमेश जब वंश के बारे में बात करता था ना, तो मेरा मन करता था कि वंश को अपने हाथों में लेके मैं खिलाऊं उसे। शायद मैं वंश को सिर्फ किडनैप करके स्नेहा की मौत का बदला लेना चाहता था, वो सुधीर जमीन बेचने को तैयार ही नहीं था। मैं तो सिर्फ उसे खून के आंसू रुलाना चाहता था। नवजात बच्चे को मार के? नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसे। हम जब उस घर में घुसे तो वंश वहां था ही नहीं। सुधीर के घर की चाबी कैसे मिली? उमा से। ए, तेरे को पता है पुलिस चिकना को ढूंढ रही है, और मैं उन्हें बता दूंगा कि तू चिकना को जानती है। काका,
का प्लीज मत बताना किसी को। लेकिन एक शर्त है, मुझे इस घर की चाबी चाहिए। देख तू कहीं भी बाहर जाएगी ना, उसके पहले ये गमला, ये कुंडी है ना, उसके नीचे चाबी रख के जा। छोटा सा काम है, करेगी ना? जब सुधीर और प्रमिला हर हफ्ते की तरह मंदिर गए तो उस दिन उमा ने मुझे फोन करके बताया कि वो मार्केट जा रही है, तो मैं मीना के साथ उस चाबी से दरवाजा खोल के उस घर में घुसा। फिर हमने पूरा घर चेक किया, वंश हमें कहीं नहीं मिला सर। अच्छी कहानी, अब मेरी कहानी सुन। जो सच है, तू उस दिन सुधीर के घर में गया, वह वंश था, तूने उसको उठाया, उसका गला दबाकर उसको मार दिया और बाद में गटर में फेंक दिया। नहीं 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 साहब, मैंने नहीं मारा उसे। अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है ना, तो वो दो बहनों को पकड़िए, वो उसे बहुत नफरत करती थी दोनों। पूरा घर अच्छे से चेक करो। सड़े कोई है वहां पे? अड्डे कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। लगता है दूसरी लोकेशन पे होगा। हमें नहीं पता कि उमेश काका ने क्या कहा, हमने कभी उन्हें चाबी नहीं दी। रोना नहीं बेटा, बिल्कुल रोना नहीं, और डरना भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, स्नेहा को तुम लोग उसके बॉयफ्रेंड से मिलने में मदद करते थे? हाँ सर, मुझे नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड वो था। जब हमें पता चला हम डर गए, इसलिए हमें किसी को नहीं बताया। ठीक है जाओ तुम। तृप्ति, ये लड़कियां जरूर कुछ छुपा रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जो लड़की मुझसे प्यार करती है उसको कैसे मारूंगा मैं? अबे तू झूठ बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने बोला था मेरे को मार। तू नहीं मारा ना स्नेहा को? तू नहीं मारा ना? ए, क्या बोल रहा है तू? तूने मारा स्नेहा को मेरी? अरे बे मत डर। तू नहीं मारा मेरी स्नेहा को? तेरे को मारूंगा स्नेहा को। चिकने, मुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए। तुम सच बोल रहे हो इसका? नहीं मिला तेरी पूरी ये चिकनाहट खत्म हो जाएगी। सर आ जाओ। सर ये चाबी बनाने वाला सूर्या है, सुधीर के घर की चाबी इसने बनाई थी, ऐसा ये बोल रहा है। किसने बनवाई थी? ओ सर, शकल देखूंगा तो पहचान लूंगा। डाकवा जला सर। नहीं ये नहीं ये, हाँ यही था, यही था साहब, यही था। ये तो मिली ने तृप्ति, मुझे मिलन चाहिए। सर सुरक्षा नगर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। तुमसे मैंने बोला था ना, ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही। देखो जो कुछ भी है ना, सच सच बताना और बिल्कुल डरना नहीं। हाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये देखा आपने वीडियो, ये तुम दोनों पॉलीथिन में, ये वो तुमने नहीं मारा है ना वंश को?
ये जो टेबल पे सामान पड़ा है ये तो बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करता था ना। स्नेहा के बॉम्ब में यही यूज हुआ था, बॉम्ब स्क्वाड से कन्फर्म हुआ है। और यही सामान तूने उमा और अनिला के पास संभालने के लिए दिया था, बाद में उन्होंने वो फेंकने का तय किया क्योंकि स्नेहा मर गई थी। अब तू बोलेगा ये सामान तेरा नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, है, है ना? हाँ हाँ, मुझे स्नेहा से कभी प्यार ही नहीं था। एक साल पहले मैंने उससे दोस्ती भी इसलिए की क्योंकि मुझे वो बहुत सीधी और मासूम लगी। मुझे लगा कभी ना कभी मेरे काम आएगी, और उसको घर से भी कुछ मिलता नहीं था तो मैं उसको महंगे महंगे गिफ्ट देके खुश रखता था। वो अपने बारे में सब बताने लगी। मुझे बाबा ने आज फिर से मारा, मैं इस नरक से निकलना चाहती हूँ। चेतन प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं अपनी माँ को भी इस नरक से निकालना चाहती हूँ। बहुत जल्दी, और जल्दी वो वक्त भी आ गया जब मैं अरेस्ट हुआ और उसको पुलिस स्टेशन को मिलने बुलाया। अरे तू रो क्यों रही है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा, भरोसा रख। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है चेतन। मेरा एक काम करेगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। धीरे, एक हफ्ते में इन लोग मेरे को कोर्ट ले जाएंगे, उससे पहले पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि तू पुलिस स्टेशन के बाहर आ एक जैकेट पहन के, जिसमें एक पावरफुल हिडन कैमरा रहेगा, तू मेरा वीडियो बना पाएगी बिना पुलिस को पता चले। लेकिन वो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, मैं दुनिया को बताऊंगा कि मुझे उस जुर्म की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं है। ये वीडियो हम बाद में न्यूज चैनल्स को देंगे, जिसके बाद ये लोग मुझे यहाँ जेल में नहीं रख सकते। मेरे साथ दोगी ना? लेकिन वो जैकेट कहाँ? सनी, सनी देगा तेरे को जैकेट। एक बात बता, जब स्नेहा को ये पता नहीं था कि उसने बॉम्ब पहना है तो उसको ये कैसे पता चला कि ट्रिगर कब दबाना है? सर मैंने उसको कहा था कि मैं जब उसकी तरफ देख के आंख मारूंगा ना, वही हमारा सिग्नल होगा। सर आपको तो पता है ना, प्यार अंधा होता है। बेचारी बेवकूफ बन गई, कैमरे का बटन समझ के उसने ऑन किया और लेकिन तेरे को ये पता नहीं, पुलिस वालों को नींद में भी दिखता है। तेरी जो हंसी है ना, ये जिंदगी भर रोने में बदल जाएगी। और ये जो आवाज है ना, ये कहां से निकलेगी पता भी नहीं चलेगा। करड़े तांबे और स्नेहा के मर्डर केस में इसको अंदर कर दो, तोड़ा है ना। मैम चाबी वाले से मैंने सुधीर के घर की नहीं अपने घर की डुप्लीकेट चाबी मनवाई थी, क्योंकि चाबी खो गई थी हमसे। झूठ मत बोल, चाबी वाले ने तुम्हारा नाम लिया है। एक काम करिए, ये लीजिए ये रही चाबी, चेक करा लीजिए। मैडम वंश के किडनैपिंग के टाइम इनकी फोन की लोकेशन सुधीर के घर के पास नहीं थी। चाबी चेक करो। मैम मैम यही चाबी है। सर मैंने चेक किया, जो सूर्य चाबी वाले ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि मिलिंद ने सुधीर के घर की चाबी बनाई थी, वो गलत है सर। सर और एक बात, मिलिंद की लोकेशन वंश की किडनैपिंग के टाइम पे सुधीर के घर के पास की नहीं थी। मारा संगली इतना मारते हो, जान जाएगी ना बच्ची की। बोल बेटा मार। हाँ बोल। मुझे बोला गया था मिलिंद का नाम लेने को सर, मैंने किसी और के लिए सुधीर के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाई थी सर। किसके लिए? क्यों किया ऐसा? मेरे बाबा ने सारे रिश्ते तोड़ दिए इसलिए कि मेरे भाग के शादी की थी। वो लड़के ने मुझे छोड़ दिया, मजबूरी से मुझे वापस आना पड़ा। माँ के कारण बाबा ने घर में आश्रय दिया, लेकिन उनका प्यार एकलौती औलाद उमाकांत उनका बेटा पे था। बाबा ने वसीयत में फूटी कौड़ी भी नहीं दी मुझे, उमाकांत के फेंके हुए टुकड़े पे मैं जी रही थी। उमाकांत ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी शादी करा दे। मैं टिफिन का काम करती थी और पैसा कमाती थी, लेकिन उमाकांत के बाद सुधीर ने मुझे थोड़ा सा मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन सुधीर को बेटा होने के बाद वो बदल गया। मेरी औकात दिखाई मुझे,
वो मैं सहन नहीं कर पाई। मैं सूर्या चाबी वाले को फ्री में खाना देती थी। सूर्या चाबी वाले ने मुझे मदद की, उसने मुझे चाबी बना के दी, तो मैं घर में घुसी, वंश को उठाया, गला दबाया और मार डाला और गटर में फेंक दिया। एक 4 महीने के बच्चे को तुमने तुम्हारे स्वार्थ के लिए, परिवार का बदला लेने के लिए मार दिया? परिवार से नहीं, पूरा खानदान से मैंने बदला लिया, मेरा भाई, मेरा बाबा, सबसे। और इस बात का मुझे दुख भी नहीं, मैंने पितृसत्ता का आखिरी चिराग को भी मार डाला। आप उम्र से बड़ी है लेकिन अकल से छोटी है। जिस बच्चे को मातृसत्ता का और पितृसत्ता के बीच का फर्क मालूम नहीं, जिसने दुनिया देखी नहीं, ऐसे छोटे बच्चे को तुमने तुम्हारे स्वार्थ के लिए मार दिया, रहो जेल में। काश स्नेहा को अपने पिता से प्यार मिला होता तो वो चिकना शेखर जैसे लड़के के पास प्यार की तलाश में नहीं जाती। अगर चिकना शेखर को अपना पहला प्यार मिला होता तो वो एक मर्डरर और बाद में बम बनाने वाला शातिर क्रिमिनल नहीं बनता। वही उमा और अनिला छोटी उम्र में ही लगभग क्रिमिनल्स बन गई थी, क्योंकि उन्होंने चिकना शेखर के बम बनाने के सामान को छुपाया था। उमा और अनिला अपने भाई से चिढ़ती थी क्योंकि उनके बाबा उनसे ज्यादा अपने बेटे को प्यार करते थे। अगर रत्ना को परिवार से प्यार, मान और सम्मान मिला होता तो वो कभी भी एक 4 महीने के बच्चे को मारने का जघन्य अपराध नहीं करती। इसलिए परिवार को चाहिए कि उन्हें समझे, प्यार दे, उन्हें सही दिशा दिखाए, उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दें, जिससे उनके मन में गलत ख्याल पनप ही ना पाए। तो इस उम्मीद के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।